हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तेषाम एव, केवल उनके ऊपर ही अनुकंपार्थम, कृपा करने के लिए, तो केवल उनके ऊपर ही कृपा करने के लिए। तो भगवान कुछ विशेष लोगों के लिए कह रहे हैं कि उनके ऊपर ही कृपा करने के लिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो उनका प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, तो जो श्री कृष्ण का प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं और कैसे करते हैं, श्लोक संख्या 9 में बताया था भगवान ने कि उन्हीं में अपना चित्त लगा हुआ है, श्री कृष्ण में ही अपना चित्त लगा हुआ है, अपने प्राण भी जो है श्री कृष्ण में ही लगे हुए हैं और एक दूसरे को अपने अनुभव बतलाते हैं, श्री कृष्ण की कृपा के अनुभव बतलाते हैं है? और कथयन्तश्च माम नित्यम, और एक दूसरे को जो है श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हैं है? तो उनके ऊपर ही कृपा करने के लिए अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि केवल उनके ऊपर ही कृपा करने के लिए अहम अज्ञान जमतमहा, मैं अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है नाशयामी, नष्ट करता हूँ। तो ऐसे भक्तों के ऊपर ही श्री कृष्ण कृपा करने के लिए क्या करते हैं, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करते हैं। आत्मभावस्थो, तो हृदय में स्थित होकर के ज्ञान दीपेन भास्वता, तो जो प्रकाशमान ज्ञान का जो दिया है उसके द्वारा अज्ञान को नष्ट करते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु ये तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वो अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे तो उसके अंतर से श्री कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावना मृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावना मृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी श्री कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण व्यक्ति का हृदय भौतिकता के मल से या धूल से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब व्यक्ति भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो ये मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए
चिंता नहीं करता है, ना तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवद गीता का उपदेश सार है। भगवद गीता के अध्ययन से व्यक्ति भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, व्यक्ति सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे उन भक्तों को ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे श्री कृष्ण के निकट आते हैं। जो भक्त प्रीतिपूर्वक श्री कृष्ण के भजन में लगे रहते हैं, उस समय अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण तो अपने भक्तों को अपने निकट आने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं, परंतु समय के अनुसार वह बुद्धि अज्ञान के प्रभाव से ढक जाएगी, तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण की ओर से क्या सहायता मिलेगी। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि वे उस बुद्धि की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण भक्त के हृदय में ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की तीन अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं तेषाम एव अनुकंपा अर्थम, अर्थात मैं केवल उन्हीं के ऊपर कृपा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे केवल उन्हीं भक्तों पर कृपा करना चाहते हैं जो परस्पर प्रीतिपूर्वक श्री कृष्ण के ही विषय में बातें करते हैं तथा बातें सुनते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण तेषाम एव शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तेषाम शब्द का अर्थ है उनके लिए तथा एव शब्द का अर्थ है केवल। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे केवल ऐसे भक्तों पर कृपा करना चाहते हैं जो प्रीतिपूर्वक परस्पर श्री कृष्ण के ही विषय में बातें करते हैं तथा बातें सुनते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे कुछ विशेष लोगों के ही ऊपर कृपा करना चाहते हैं जो आपस में श्री कृष्ण के ही विषय में बातें करते तथा सुनते हैं। गीता 18:68 और 69 में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गीता के इस परम रहस्य को श्री कृष्ण के भक्तों को बताएगा, वो श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त करेगा। उससे बढ़कर श्री कृष्ण का प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है और उससे बढ़कर श्री कृष्ण का प्रिय कोई नहीं होगा। वे भक्त जिस मार्ग पर चलते हैं उसके सामने स्वर्ग तथा मोक्ष के मार्ग भी ओछे जान पड़ते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं कि ऐसे भक्तों का प्रेम सुख किस प्रकार बढ़ता रहे, और इसके लिए श्री कृष्ण को इतनी ही व्यवस्था करनी पड़ती है कि उनके प्रेम पर काल की दृष्टि ना पड़े और यह प्रेम नष्ट ना हो जाए। माता अपने प्रिय खेलते हुए बालक पर अपनी प्रेमपूर्ण दृष्टि से उसकी रक्षा करती है। माता अपने बालक के पीछे छाया के समान दौड़ती रहती है, और जिन जिन खेलों के प्रति बालक अनुराग दिखाता है उन खेलों के उपयुक्त खिलौने बनाकर अपने प्रिय पुत्र को देती है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे उनकी उपासना के मार्ग का पोषण हो जाए। जिन जिन विधियों के द्वारा वे भक्त श्री कृष्ण को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उन उन विधियों की व्यवस्था श्री कृष्ण अत्यंत प्रेम से करते हैं। भक्तों को श्री कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम होता है और श्री कृष्ण को भी उनके अनन्य गति अत्यंत प्रिय लगती है, क्योंकि ऐसे प्रेमी भक्तों की श्री कृष्ण के घर में बहुत कमी होती है। जो लोग स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए श्री कृष्ण ने यज्ञों के साधन बनाए, तथा जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए श्री कृष्ण ने तपस्या के साधन बनाए, परंतु श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक सुख और अपने प्रेमपूर्ण भक्तों के लिए ही सुरक्षित रखा है। इस सुख की चरम सीमा तक श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों को अपने साथ रखते हैं। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक के अगले
शब्द हैं, अहम अज्ञानजम तमहा नाशयामी, अर्थात मैं उनके ज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने भक्तों के हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे अपने भक्तों को ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वे श्री कृष्ण के निकट आते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे उस बुद्धि की रक्षा करने के लिए उनके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। इसी को कहते हैं योग तथा क्षेम। गीता 9:22 में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे अपने भक्तों की आवश्यकता की पूर्ति भी करते हैं तथा श्री कृष्ण अपने द्वारा दी हुई वस्तुओं की रक्षा भी करते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने जिस बुद्धि की बात की थी कि वे अपने भक्तों को शुभ बुद्धि प्रदान करते हैं, अब इस श्लोक में श्री कृष्ण उसी बुद्धि की रक्षा की बात कर रहे हैं कि वे अज्ञान से उत्पन्न अंधकार से उस बुद्धि की रक्षा भी करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने भक्तों के हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता है, यदि वो परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी श्री कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएगा। परम सत्य श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है इति। तो यहाँ पर समझने की बात है कि श्री कृष्ण निरंतर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि भक्त के हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार बिल्कुल ना रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने भक्त के हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वे श्री कृष्ण के निकट जाएंगे, परंतु अज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो अंधकार उत्पन्न करती है। अब चूंकि यह अंधकार बुद्धि में बाधा उत्पन्न करता है, अतः श्री कृष्ण इस अंधकार को भी दूर करते हैं, अन्यथा उनकी दी हुई बुद्धि का क्या उपयोग होगा। श्री कृष्ण के द्वारा दी हुई बुद्धि नेत्र के समान है। अब यदि हमारे नेत्रों में देखने की शक्ति आ जाए, परंतु किसी कारणवश चारों ओर अंधकार हो, तो हमें नेत्रों में देखने की शक्ति का क्या लाभ होगा। जिस प्रकार हमें नेत्रों में देखने की शक्ति की आवश्यकता है, उसी प्रकार अंधकार को भी दूर करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे स्वयं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। गीता 9:22 में श्री कृष्ण ने कहा है कि वे स्वयं अपने अनन्य भक्तों के योग तथा क्षेम की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने भक्तों के योग की व्यवस्था करते हैं, अर्थात उन्हें बुद्धि योग प्रदान करते हैं तथा उनके क्षेम की भी व्यवस्था करते हैं, अर्थात बुद्धि योग में बाधा उत्पन्न करने वाले अंधकार से रक्षा भी करते हैं। अब तीसरी शिक्षा, इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं, आत्मभाव स्था ज्ञान दीपेन भासुता, अर्थात मैं उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जलाता हूँ। ये समझने की बात है कि हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार तो पहले से ही भरा हुआ है। अब यदि हम इस अंधकार को दूर करना है, तो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाशमान दीपक निरंतर जलते रहना चाहिए। यदि एक सेकंड के लिए भी दीपक बुझ जाता है, तो तुरंत अंधकार छा जाता है। अतः श्री कृष्ण का ये भार है कि
कि वे अपने भक्तों के हृदयों में ज्ञान के दीपक को बुझने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने भक्तों के हृदयों में ज्ञान का प्रकाशमान दीपक जलाते हैं तथा अंधकार को दूर करते हैं। तो श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि वे ज्ञान का दीपक अपने हृदय अपने भक्त को प्रदान करते हैं तथा भक्त के हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। नहीं, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे भक्त के साथ रहकर स्वयं अपने हाथ में दीपक लेकर अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। जिन भक्तों ने श्री कृष्ण की ही चर्चा में अपना जीवन लगा दिया है, उन भक्तों के लिए श्री कृष्ण कर्पूर की मशाल जलाकर स्वयं मशालची बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। अज्ञान की रात्रि में जो घना अंधकार रहता है उसका नाश करने के लिए श्री कृष्ण उनके निकट ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में वे भक्त पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। उनके आत्मस्वरूप के ऊपर जमा हुआ संसार रूपी मैल नष्ट हो जाता है। उस समय वे माया के जठर में वास करने की अग्नि से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें अपनी आँखों से एक नया पारमार्थिक जीवन दिखाई देता है। उस समय उनका जीवन सार्थक हो जाता है, उनका भाग्य खुल जाता है। श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञान के तेज प्रकाश के द्वारा उनके अंदर अज्ञान अंदर तथा बाहर का संपूर्ण भ्रम दूर हो जाता है। उस समय उन्हें दिखाई देता है कि वे श्री कृष्ण के सच्चे सेवक हैं तथा श्री कृष्ण ही उनके सच्चे स्वामी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने भक्तों के हृदयों का अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाशमान दीपक दिलाते हैं। स्कंद पुराण के द्वितीय वैष्णव खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण की पत्नियों ने तथा श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ ने तथा अन्य लोगों ने उद्धव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, उस समय कथा रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सभी ओर श्री कृष्ण की सच्चिदानंदमय लीला प्रकाशित होने लगी और सर्वत्र श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को श्री कृष्ण की लीला में स्थित देखा। बजनाभ ने अपने को श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में स्थित देखा और वे श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। बजनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास में प्रकाशित करने वाले श्री कृष्ण की लीला में अपने आप को स्थित देखकर अति विस्मित हुईं तथा श्री कृष्ण की विरह वेदना से मुक्त हो गईं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के परम धाम में प्रविष्ट हो गईं। इनके अतिरिक्त जो भी श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे वे भी श्री कृष्ण की अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्धान हो गए। ये समझने की बात है कि श्रीमद् भागवत को सुनने से श्री कृष्ण हृदय में स्थित अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अपने भक्तों के हृदयों में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर देते हैं। भागवत 1:2:21 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और परम सत्य विषयक भौतिकवादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान हैं। जो ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदय होता है त्यों परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा हुआ सत्य सबके हृदय में वास करने वाले श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। गीता 10:11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव भगवान द्वारा हृदय भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है वो अंधकार में नहीं रह सकता।
इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में शिल प्रभुपा लिखते हैं, सही से अनन्य भक्त नहे न अज्ञानी आमिता हृदय ते ज्ञान दीप आनी अंधकार तमो नाश करी से अशनी ज्ञान दीप ज्वालाइया करी तारे ज्ञानी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान दीप ज्वालाइया करी तारे ज्ञानी, अर्थात हे अर्जुन, मैं अपने भक्त के हृदय में ज्ञान का प्रज्वलित दीप जलाकर उसे ज्ञान से संपन्न बना देता हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ भगवान ने बहुत अपनी कृपा दिखलाई है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।